60 दिन बाद भी रसन बीजेपी को सेनापति नहीं मिल पाया है। इस बीच खबर ये है कि अगले 2 दिन तक के लिए नए अध्यक्ष की नियुक्ति टल चुकी है। इससे पहले शुक्रवार को दिन भर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर मैराथन बैठकों का दौर चला। हालांकि नए प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में डॉक्टर किरोड़ी का नाम सामने आने के बाद मीणा की तरफ से बयान सामने आया है। मीणा ने मीडिया से बातचीत में बताया कि उनका नाम सिर्फ मीडिया की तरफ से ही चलाया गया है। मीणा के मुताबिक आज या कल में केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान किया जा सकता है। राजस्थान में इस समय चुनावी साल चल रहा है, इसे लेकर दोनों पार्टियां पूरी कवायद में जुट चुकी हैं। चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। ऐसे में भाजपा का एक बड़ा मुद्दा जो चल रहा है, भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष का घोषित होना। इस समय हमारे साथ में डॉक्टर किरोड़ी मीणा जी हैं, जो राज्यसभा सांसद भी हैं और एक बहुत बड़ी पहुंच भी रखते हैं पार्टी में। हम उनसे जानना चाहेंगे, सर अभी तक पार्टी अध्यक्ष के लिए क्या कवायद चल रही है? ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है जी, स्वाभाविक प्रक्रिया है, कोई विशेष कारण नहीं है उसका विलय होने का। पर ऐसा लगता है कि आजकल में प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा कर दी जाए। सर मुख्य रूप से हम जानना चाहते हैं, जैसे 3 दिनों से भी मंथन चल रहा है, पहले भी मंथन चला था और एक गजेंद्र सिंह जी का एक मुख्य रूप से जो केंद्रीय नेतृत्व ने नाम आगे किया था, लेकिन उस पर भी कहीं ना कहीं रोक लगी। क्या कारण थे, क्या वजह रही इन सब चीज़ों के? वो नाम फाइनल नाम नहीं था जी, गजेंद्र सिंह जी का नाम वैसे आया था जी, और कोई विवाद नहीं है उनका या किसी जिसका भी नाम केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, सबको स्वीकार है, पार्टी उनके नेतृत्व में काम करेगी, चुनाव लड़ेगी जी। अभी मौजूदा समय में जो कल तक की जो चर्चा रही बैठक में, आपका भी कहीं नाम आ रहा था कि आप भी इस जिम्मेदारी को संभाल सकते हैं? नहीं, हमें बैठक दरअसल इसलिए भी बुलाई थी जी, उन 15 लोगों को बुलाया था राज्यभर को जी, जो आगामी चुनाव की दृष्टि से, विधानसभा लोकसभा के चुनाव की दृष्टि से और क्या क्या कार्यक्रम चुनाव से पहले करने हैं, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यात्रा निकालनी है, उस संबंध में चर्चा हुई थी जी, इसलिए बुलाया था। और उसका अंतिम रूप कुछ ही दिन बाद आपके सामने आ जाएगा। अभी तक क्या आपको लगता है कि क्या कौन बनना चाहिए या क्या फैसला होने वाला है, कुछ ऐसा कुछ पता लग सकता है कि अभी तक क्या रणनीति बन रही है प्रदेश अध्यक्ष को लेकर? केंद्रीय नेतृत्व ही जाने जी क्या करेंगे, रणनीति का खुलासा तो किया नहीं जा सकता जी, और जो भी वो करेंगे उत्तम फैसला होगा। आपका सुझाव क्या रहा, किस कास्ट फैक्टर इसमें बहुत बड़ा है? हमसे सुझाव पूछे ही नहीं, मैंने बताया ना हमसे तो चुनावी तैयारियां, राज्य में क्या मुद्दे ऐसे हैं जिनका समाधान किया जाना जरूरी है और संगठन के बारे में चर्चा हुई। अभी मुख्य रूप से आपको भी शायद जिम्मेदारी दी जा सकती है, ऐसी स्थिति अभी बन रही है? कुछ नहीं जी, ये मीडिया की चलाई हुई बात है जी, अभी जिम्मेदारी देते थी जी राज्यसभा में भेज दिया नहीं। अभी आपके पास आप सक्षम है, इस वजह से बार बार नाम आ रहा है कि किरोड़ी मीणा जी को भी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जा सकती है? हम दिल्ली गए थे जी, आप भाई मिल गए मीडिया के, नाम चला दिया जी जी, बाकी उसमें कोई दम नहीं। तो अभी क्या संभावना लगाएं कि कब तक क्या उम्मीद है? जरूर दो चार दिन की संभावना है। चलिए मुख्य रूप से अभी हम नेतृत्व की बात आती है, फिर नेतृत्व कैसे सामने आएगा, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा? अभी मुख्यमंत्री के बीच में बात आ रही थी क्या वसुंधरा जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, आगे क्या स्थितियां आगे रहने वाली? नेतृत्व तो संगठन का नेतृत्व जो अध्यक्ष आएगा वो करेगा जी, बाकी वसुंधरा जी चुनाव की पहल करेंगे जी, उनके सब हम सब साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो कब बिगुल बजा रहे हैं, कब से यात्रा निकल रही है? गजबी रहा है जी, 48 का टेम्परेचर घूम रहा है जनता के बीच, हम तो सदा बिगुल जी साथ में रखते हैं, बजाते रहते हैं। कोई मुख्य रूप से राजस्थान के लिए कोई ऐसी प्लानिंग जयपुर दिल्ली में हुई हो, कोई केंद्रीय नेतृत्व के साथ आपकी कोई चर्चा हो, किन मुद्दों को विशेष ध्यान रखा जाए? तो यही हुआ है कि पार्टी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राज्य भर में एक यात्रा निकालेगी जी, और बड़ी बड़ी सभाएं करेगी और जनता को बताएगी केंद्र और राज्य की जो जन कल्याणकारी नीतियाँ रही हैं जी, उनके बारे में जानकारी यही क्या जो आप बता रहे हैं, एक यात्रा निकालने का, एक सुराज संकल्प यात्रा जैसे अभी एक आप बता रहे थे यात्रा निकलेगी, वो क्या प्लानिंग है, कब से शुरू कर रहे हैं उनसे इन सब चीज़ों? बस अध्यक्ष का घोषित होने के तुरंत बाद जी यात्रा का भी
रोड मैप तैयार किया। डॉक्टर किरोड़ी मीणा जी का कहना है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान जल्द हो जाएगा और यह रूटीन प्रक्रिया है, कोई खास बड़ी बात नहीं है, बड़ा मुद्दा नहीं है। उनकी नज़र में अभी रूटीन की तरह से वहां बैठकें चल रही हैं, केंद्रीय नेतृत्व एक या दो दिन में इसका फैसला जल्द ही कर देगा।